नमस्कार, मैं हूं अंकुर सिंह। राजनीति, अपराध, खेल या फिर सिनेमा, इनसे जुड़ी रूटीन खबरों का डोज आप डेली लेते होंगे, लेकिन इस सापाधापी में छूट जाती हैं कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। इसीलिए लाइव टुडे पर हम लेकर आए हैं ऐसी खबरों का पूरा पैकेज जिन्हें आप देखना तो चाहते हैं लेकिन न्यूज चैनलों पर वो आपको नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला खबर एक्स्ट्रा का। भारतीय संस्कृति को अगर परंपराओं का संगम कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। दुनिया में अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं। सभी धर्मों के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं जिन्हें वो धूमधाम से मनाते हैं, और हिंदू धर्म में जो जगह दीपावली, होली, दशहरा जैसे त्योहारों का है, वही जगह ईसाई धर्म में मनाई जाने वाले क्रिसमस की। क्रिसमस का मतलब क्राइस्ट मास। जी हाँ, क्रिसमस को लोग बड़ा दिन भी कहते हैं। क्रिसमस का त्यौहार यानी बड़े दिन का त्यौहार है जो पूरी तरह से क्रिश्चियन समुदाय का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसे क्रिसमस अराउंड द वर्ल्ड के रूप में भारत में भी मनाया जाता है। बड़ा दिन कहा जाने वाला क्रिसमस का त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और क्रिसमस आने वाला है। लोगों के घरों में इस खूबसूरत त्यौहार के स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि बड़ा दिन आ गया। सारे त्योहारों की तरह क्रिसमस से भी जुड़े कई रस्म और रिवाज हैं जो दुनिया भर में सदियों से मनाए जा रहे हैं। खैर, क्रिसमस का पर्व अपने आप में खुशी, जोश और प्यार का प्रतीक है। केवल ईसाई धर्म वालों के लिए ही नहीं बल्कि हर धर्म और समुदाय के लिए ये पर्व अब खास मायने रखता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि भारत में क्रिसमस को बड़े दिन के नाम से क्यों पुकारा जाता है? आखिर क्यों 25 दिसंबर को ही क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है? इस सवाल का जवाब शायद कुछ ही लोग दे पाएंगे, लेकिन आज के शो में हम आपको क्रिसमस से जुड़े सभी तथ्यों को सामने रखेंगे और उनका विश्लेषण भी करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़े दिन के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित हैं। उन कहानियों को हम बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, जबकि ये त्यौहार ईसाई धर्म का है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में क्रिसमस को बड़ा दिन कहा जाता है, वहीं पहले इसे रोमन उत्सव के रूप में मनाया जाता था। इस दिन लोग एक दूसरे को ढेर सारे तोहफे देते थे। ईसाई धर्म के कई लोगों का मानना है कि यीशु के पैदा होने और मरने के सैकड़ों साल बाद लोगों ने 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाना शुरू किया था, मगर इस तारीख का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि सबूतों की माने तो उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था। माना जाता है कि ईसाई होने का दावा करने वाले कुछ लोगों को बाद में जाकर इस दिन को चुना, क्योंकि इस दिन रोम में गैर ईसाई लोग अजय सूर का जन्मदिन मनाते थे और ईसाई चाहते थे कि यीशु का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाए। सर्दियों के मौसम में जब सूरज की गर्मी कम हो जाती है, तब जो लोग ईसाई नहीं थे वो लोग इस आशा से पूजा करते थे कि सूरज अपनी लंबी यात्रा से लौट आए और दोबारा गर्मी और रोशनी दी थी। उनका मानना है कि 25 दिसंबर को सूरज वापस लौटना शुरू करता है और इसीलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस आने की सबसे ज्यादा खुशी बच्चों में होती है, क्योंकि उन्हें अपने प्यारे सेंटा का इंतजार होता है। क्रिसमस के दौरान आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हर जगह सेंटा क्लॉस एक ही तरह से सज धज कर बच्चों के बीच खुशियां बांटता फिरता है। लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो सेंटा के बारे में जानकारी रखते हैं। हम लोगों में से शायद ही किसी को पता होगा कि आखिर सेंटा क्लॉस कौन है, कहां से आया है और लोगों को इतना कैसे पसंद हुआ। यहां तक पूरे साल ये सेंटा क्लॉस कहां छिपा रहता है और 25 दिसंबर को ही ये वापस क्यों आता है। दरअसल सेंटा क्लॉस तुर्की से आया, लेकिन सेंटा देखने में सेंट निकोलस की तरह लगता है, जो तीसरी सदी के सेंट थे। सेंट निकोलस मायरा के पादरी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे जो बच्चों को तोहफे बांटते थे। ऐसा भी माना जाता है कि पादरी ने अपने चमत्कार से 3 बच्चों को जीवन दान दिया था। हम सब ये जानते हैं कि सेंटा का चार्म क्रिसमस के दौरान ही सबसे ज्यादा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सेंटा सिर्फ क्रिसमस पर्व पे ही बच्चों को तोहफे क्यों देता है? क्या वास्तव में सेंटा का क्रिसमस पर्व से कोई वास्ता है? नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, क्योंकि क्रिसमस के दौरान भगवान यीशु का जन्म होता है, और ऐसा भी बताया जाता है कि ईसा मसीह और सेंटा का कोई कनेक्शन नहीं है। सेंटा कहां से आया इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता, यहां तक कि लोग ये भी मानते हैं कि सेंट निकोलस ही सेंटा का असली रूप है, यानी कि सेंटा क्लॉस को हम सेंट निकोलस, फादर क्रिसमस, क्रिस क्रिंगल या फिर सेंटा के नाम से ही जानते हैं। मिथिकल एंड हिस्टोरिकल के नज़रिए से अगर देखा जाए तो सेंटा कहानी में प्रचलित एक व्यक्ति है। बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर्स में ऐसा माना जाता है कि सेंटा
क्रिसमस की पहली शाम यानी कि 24 दिसंबर की शाम को या देर रात के वक्त घरों में आकर उन्हें गिफ्ट्स देता है। इन गिफ्ट्स को देने वाले सेंटा को सेंट निकोलस से संबंधित माना जाता है। सेंट निकोलस एक ऐसी हिस्टोरिकल फिगर है जो हिजियोग्राफिकल कहानियों में मिलती है। इसी से लगभग मिलती जुलती एक कहानी विजिंगटन और यूनानी कहानियों में फेमस है। वेसल ऑफ केसारिया, जिसे 1 जनवरी को ग्रीस में वेसल का फीस्ट दिन मनाया जाता है। इस दिन वहां के लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। देखा जाए तो दुनिया में आम लोगों का प्यार सबसे ज्यादा सेंटा क्लॉस को मिलता है। नेक और दयालु सेंटा बच्चों के लगाव लगातार उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। इसका सबूत है कि सेंटा को हर साल मिलने वाले 60 लाख से भी ज्यादा पत्र। दरअसल ये पत्र ज्यादातर छोटे बच्चों ने लिखे हैं और इतने बड़े पैमाने में आने वाले पत्रों के लिए अलग से डाक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होती है। कम से कम 20 देश ऐसे हैं जहां दिसंबर के महीने में खास तौर से नए कर्मचारी बहाल किए जाते हैं। यूरोपीय देशों में ये पत्र फादर क्रिसमस या सेंट निकोलस और रूस में डेड मोरूस के नाम से पहचाने जाने वाले सेंटा के लिए होते हैं। सेंटा के पते के तौर पर कई बार पूरी जानकारी दी होती है तो कई बार केवल टू सेंटा नॉर्थ पोल लिखा होता है। पत्रों में पते के तौर पर कई बार केवल सेंटा की छोटी सी ड्राइंग बना दी जाती है और कनाडा का पोस्ट ऑफिस विभाग 26 भाषाओं में इन खतों का जवाब देता है। इसी तरह जर्मनी के पोस्ट ऑफिस विभाग से 16 भाषाओं में इन खतों का जवाब दिया जाता है। सबसे ज्यादा पत्र पाने वाले देशों में कनाडा, फ्रांस और जर्मनी का नाम आता है। कनाडा और फ्रांस में 10 लाख से ज्यादा बच्चे सेंटा को पत्र लिखते हैं। कनाडा में तो पोस्ट ऑफिस विभाग ने सेंटा को भेजे जाने वाले पत्रों के लिए एक अलग से पिन कोड भी बनाया है। फ्रांस में पत्रों का जवाब देने के लिए 60 सेंटा सेक्रेटरी नियुक्त किए जाते हैं। सेंटा को जितने भी पत्र लिखे जाते हैं उनमें से 90% पत्र फिनलैंड भेजे जाते हैं। ईमेल की तुलना में हाथ से लिखे पत्रों की संख्या काफी ज्यादा होती है। बात करते हैं एक और ऐसी जानकारी जो काफी रोचक है क्रिसमस से जुड़ी। क्रिसमस आते ही चर्च के आसपास अक्सर संगीत की धुन गूंजने लगती है और हम अक्सर क्रिसमस के दिन कैरल्स गाते हैं। कैरल्स यानी कि क्रिसमस के गीत। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये कैरल्स आखिर क्यों गाए जाते हैं और कहां से इसकी शुरुआत हुई है? दरअसल कैरल्स शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द कैरोलर से आया है, जिसका मतलब घूमते हुए नाचना है। क्रिसमस के गानों में सबसे पुराने गाने का जन्म 4वीं सदी में हुआ। हल्की फुल्की और गाने में आसान धुने 14वीं शताब्दी में चलन में आई, फिर इन्हें इटली में सुना गया। क्रिसमस कैरल्स को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि 19वीं शताब्दी में मिली। कैरल्स को नोएल भी कहा जाता है। इन गीतों में पड़ोसियों के लिए शुभकामनाएं दी जाती हैं। इसमें क्रिसमस पर अपने पड़ोसियों के घर जाना और उनके साथ बैठकर क्रिसमस कैरल का आनंद लेना होता है। इसके साथ ही दुनिया में कई ऐसे क्रिसमस ट्री भी बनते हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या फिर उन्हें देखा होगा। 25,000 स्वारोस्की क्रिस्टल और 5 मील तक फैली रोशनी से सजा रॉकफेलर प्लाजा क्रिसमस ट्री दुनिया का अब तक का सबसे मशहूर क्रिसमस ट्री है। लेकिन ये अकेला ही नहीं जो क्रिसमस ट्री नहीं है जो इतना मशहूर है। दुनिया में कई ऐसे मशहूर क्रिसमस ट्री हैं जो अजीब और गरीब तो हैं लेकिन साथ ही उतने ही फेमस हैं। बात अगर न्यूयॉर्क के रॉकफेलर प्लाजा की क्रिसमस ट्री की करें तो आप चौंक जाएंगे। 2015 में लगाया गया ये क्रिसमस ट्री 78 फुट लंबा और 47 फुट चौड़ा है। इस क्रिसमस ट्री की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और देर तक यहाँ रुक कर सब इंजॉय करते हैं। इसके अलावा मेलबर्न में करीब 1 लाख खिलौनों की ईंटों से क्रिसमस ट्री को तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 32 फुट के आसपास है। ये पूरा क्रिसमस ट्री ढेर सारे खिलौनों और कैंडी केन से भरा हुआ है। इस क्रिसमस ट्री को लीगो मास्टर बिल्डर स्ट्रिगनर और उसके परिवार ने मिलकर बनाया है। अब जरा बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े तैरने वाले क्रिसमस ट्री की। दरअसल ये क्रिसमस ट्री आपको मिलेगा रियो डी जेनेरियो के रोडिर्गो ट्री फ्राइडेस लगून। इंटरलॉकिंग धातु के खंभों और बड़ी संरचना में तैयार इस क्रिसमस ट्री का वजन 386 टन के आसपास है। ये ट्री 2.5 मिलियन माइक्रो लाइट बल्ब से सजा हुआ है जो दूर से ही इस ट्री का रिफ्लेक्शन दे देते हैं। यही नहीं, एक ट्री आप इटली में भी देख सकते हैं जो लाइट स्कल्पचर कंपनी मारियोनोलाइट ने लकड़ी से बने स्टाइलिश ट्री में करीब 43,000 LED लैंप्स और 25,000 माइक्रो लाइट्स लगाई हुई। वहीं लंदन के सेंट
प्रेनक्रॉस ट्रेन स्टेशन में खड़ा प्लेफुल क्रिसमस ट्री की बात ही निराली है। इसे देखकर किसी को भी अपना बचपन याद आ जाएगा और इसकी खासियत है कि ये पूरी तरह से खिलौनों से ढका हुआ है। इसमें लगे सभी खिलौने डिज्नी कैरेक्टर्स हैं। इस क्रिसमस ट्री की लंबाई करीब 45 फुट है और इसके अलावा पेरिस में स्थित एक अजीबोगरीब ट्री को देखकर आपको जरूर लगेगा कि आप किसी और प्लेनेट में आ गए हैं। दरअसल झिलमिलाते मेटल्स और मोती सी सफेद रोशनी चादर में लिपटे क्रिसमस ट्री को देखकर आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे इतना बड़ा ये ट्री पूरी तरह से गहनों से लदा है। ये ट्री आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। अब बात अगर टेक्नोलॉजी से बने क्रिसमस ट्री की करें तो इसके लिए आपको न्यू ताइपे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पहला ट्री है जो 360 डिग्री लाइट स्कल्पचर प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी से बना है। ये ट्री यहाँ सिटी हॉल के बाहर आपको खड़ा मिलेगा। इसकी लंबाई लगभग 118 फुट है। शाम 5:30 से रात 10 बजे तक के बीच में ये आधे घंटे के अंतराल में 5-5 मिनट के लाइट शो में सामने आता है। आपको बता दें कि लंदन के कलरफुल क्रिसमस ट्री यानी कि कल्पतरु, जिसे भारत में दिल्ली के एक डिजाइनर सार्थक सेन गुप्ता और साहिल बग्गा ने डिजाइन किया है। इस विशिंग ट्री को लंदन के VA म्यूजियम में लगाया गया है और इसे खास हैंडक्राफ्ट ब्रिटेन ब्रास से तैयार किया गया है। क्रिसमस में सेंटा क्लॉज, गिफ्ट्स, सजे हुए क्रिसमस ट्री, कैरल सॉन्ग्स की जानकारी के बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि कई देशों में क्रिसमस को मनाने की परंपरा भी अनोखी है। कुछ ऐसी परंपरा जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। बात अगर जापान की करें तो यहाँ लोग क्रिसमस कुछ हटके मनाते हैं। क्रिसमस के दिन जापानी इंटरनेट पर अपने साथी को खोजते देखे जा सकते हैं। रोचक बात यह है कि इन्हें कोई ना कोई मिल ही जाता है या जाती है। अमूमन यहाँ लोगों को क्रिसमस का त्यौहार दोस्त बनाने का पर्यायवाची बनकर रह गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ मौजूद पब्लिक प्लेस जैसे कि एयरपोर्ट, दुकानें और मुख्य बाजारों को क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज के स्टैचू से सजाया जाता है। त्यौहार की रौनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ अमूमन हर उम्र के लोग सेंटा क्लॉज की बेमिसाल टोपी पहने देखे जा सकते हैं। रोचक बात यह भी है कि जब दुनिया भर में ठंड और बर्फ गिरने से मौसम खुशनुमा होता है, ऐसे में यहाँ गर्मी की तपन ऑस्ट्रेलिया के लोगों को झुलसा रही होगी। लेकिन इन सब से कुछ अलग इसराइल का क्रिसमस होता है। इसराइल जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था, क्रिसमस के अवसर पर दुनिया भर के अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर आते हैं। बैतलहम में जिस स्थान पर ईसा ने जन्म लिया था, वहाँ आज चर्च ऑफ नेटिविटी स्थित है। चर्च के आंगन में एक सुनहरा तारा बनाया गया है। कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि ठीक उसी स्थान पर ईसा का जन्म हुआ था। इस तारे के ऊपर चांदी के 15 दिए लटके हुए हैं जो हमेशा जलते रहते हैं। क्रिसमस के एक दिन पहले इसराइल में लैटिन भाषा में विशेष प्रार्थना के बाद घास फूस बिछाकर जीसस की तरह एक स्टैचू रखा जाता है। इसराइल के बहुसंख्यक यहूदी लोग क्रिसमस के दिन हनुस्का नामक पर्व मनाते हैं। दरअसल 2000 साल पहले आज ही के दिन यहूदियों ने यूनानियों को हराकर यरूशलम के मंदिर पर फिर से अपना अधिकार कर लिया था। इस जीत में यहाँ क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं मैक्सिको में क्रिसमस पर ईसाई धर्म और प्राचीन अजेतक धर्म की तरह देखने को मिलता है। वहाँ ये त्यौहार 16 दिसंबर को ही शुरू हो जाता है। लोग अपने घरों में रंग बिरंगे फूलों, सदाबहार पेड़ पौधों, सुंदर कागजों के कंदीलों से इसे सजाते हैं। सूर्य भगवान की भव्य मूर्ति के सामने जीजस के जन्म को दर्शाने वाली झांकियां बनाई जाती हैं। इस दौरान हर शाम को मैरी और जोसेफ की प्रतीकात्मक यात्रा दिखाई जाती है। इसके अलावा यूरोप के देशों में क्रिसमस अलग अलग तरह से मनाया जाता है। फ्रांस में क्रिसमस की ये मान्यता प्रचलित है कि पेयर फुरतार्ड उन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं जो अच्छा काम करते हैं और उन्हें पेयर नोएल के साथ मिलकर बच्चों को गिफ्ट देते हैं। वही बात अगर इटली की करें तो इटली में सेंटा को ला बेफाना के नाम से जाना जाता है, जो बच्चों को सुंदर उपहार देते हैं। यहाँ 6 जनवरी को भी लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसी दिन 3 बुद्धिमान पुरुष बालक जीसस से पास पहुंचे थे। हॉलैंड का क्रिसमस में सेंटा क्लॉज घोड़े पर सवार होकर बच्चों को गिफ्ट देने आता है। रात को सोने से पहले बच्चे अपने जूतों में सेंटा क्लॉज के घोड़े के लिए चारा और चीनी भरकर घरों के बाहर रख देते हैं। सुबह उठने के बाद जब वो घर से निकलकर अपने जूतों की तरफ दौड़ते हैं, तब उनमें घास और चीनी की जगह पर चॉकलेट और मेवा भरी होती है।
वहीं बेल्जियम की क्रिसमस सेंटा को सेंट निकोलस के नाम से भी जाना जाता है। सेंट निकोलस दो बार लोगों के घर जाते हैं, पहले 4 दिसंबर को बच्चों का व्यवहार देखने जाते हैं, उसके बाद 6 दिसंबर को वे अच्छे बच्चों को गिफ्ट देने जाते हैं। बात अगर आइसलैंड में क्रिसमस की करें तो यहाँ क्रिसमस का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। यहाँ एक के बजाय 13 सेंटा क्लॉस होते हैं और उन्हें एक मिथिकल मॉन्स्टर ग्रिला का वंशज माना जाता है। उनका आगमन 12 दिसंबर से शुरू हो जाता है और ये क्रिसमस वाले दिन तक जारी रहता है। वहीं डेनमार्क में क्रिसमस के दिन सेंटा बर्फ पर चलने वाली गाड़ी स्लेज पर सवार होकर आता है, जिसे रेनडियर खींच रहे होते हैं। इसके साथ ही नॉर्वे की क्रिसमस में गांवों में कई हफ्ते पहले क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो इस दिन एक खास तरह का लॉग केक यानी कि लकड़ी के लट्ठे के आकार का केक बनाते हैं, जो कि घड़ी पर बनाया जाता है। त्योहार से 2 दिन पहले माता पिता अपने बच्चों से छिपकर जंगल से देवदार के पेड़ काटकर लाते हैं और उसे खास रूप से सजाते हैं। इस पेड़ के नीचे बच्चों के लिए उपहार भी रखे जाते हैं। डेनमार्क में बच्चे परियों को जुलनिसे के नाम से भी जानती हैं और उनका विश्वास है कि ये परियां उनके घर पर ही रहती हैं। इसके अलावा बात अगर फिनलैंड की करें तो यहाँ कुछ अलग ढंग से क्रिसमस मनाया जाता है। फिनलैंड में क्रिसमस के लिए लोगों का ये मानना होता है कि सेंटा नॉर्थ पोल के कोर वातुंतुरी नामक स्थान पर रहता है। दुनिया भर के बच्चे उसे इसी पते पर पत्र लिखकर उसके सामने अजीबोगरीब मांगे पेश करते हैं। उनके निवास स्थान के पास ही पर्यटकों के लिए क्रिसमस लैंड नामक एक भव्य थीम पार्क बन गया है। यहाँ के निवासी क्रिसमस के एक दिन पहले सुबह को चावल की खीर खाते हैं और आलू बुखारे का रस पीते हैं। इसके बाद वो सभी अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं। अगर बात इंग्लैंड की करें तो यहाँ क्रिसमस की तैयारियाँ नवंबर के आखिर में ही शुरू हो जाती हैं। बच्चे बड़ी बेताबी से क्रिसमस का इंतजार करते हैं और क्रिसमस पेड़ सजाने में अपने माता पिता की मदद करते हैं। 24 दिसंबर की रात को वो पलंग के नीचे अपना मोजा या फिर तकिए का गिलाफ रख देते हैं ताकि फादर क्रिसमस आधी रात को आकर उन्हें उपहारों से भर दें। जब वो अगले दिन सोकर उठते हैं तो उन्हें पैर के अंगूठे के पास एक सेब और एड़ी के पास एक संतरा रखा हुआ मिलता है। क्रिसमस का इंग्लैंड के साथ साथ सिंगापुर में भी बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ महीनों पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सभी बड़े शॉपिंग मॉल में सजावट और रोशनी के मामले में परस्पर होड़ लग जाती है। हर साल यहाँ क्रिसमस के लिए कोई नई थीम ली जाती है। अगर थीम बर्फीली क्रिसमस होगी तो पूरे सिंगापुर में इस दौरान चारों तरफ सजावट और रोशनी में बर्फ का एहसास ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सेंटा क्लॉस को आपने कभी नहीं देखा, उसी सेंटा क्लॉस के दो घर हैं। यकीन मानिए, एक घर टॉरिंगटन और दूसरा न्यूयॉर्क स्थित विल्मिंगटन है। टॉरिंगटन में सेंटा अपने क्रिसमस गांव में आने वाले बच्चों को अपनी परियों के साथ मिलकर तोहफे देते हैं। इस अवसर पर इस गांव को स्वर्ग के किसी कमरे की तरह सजाया जाता है। व्हाइट फेस पर्वत के पास विल्मिंगटन में सेंटा का स्थायी घर है और हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग इस गांव को देखने आते हैं। अमेरिका में सेंटा क्लॉस नामक एक नगर भी है जहां सेंटा की एक 23 फीट ऊंची मूर्ति है। सेंटा के नाम लिखे सभी अमेरिकी बच्चों के सभी पत्र यहीं आते हैं। बात अगर और देशों की करें तो अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर के साथ साथ स्वीडन में भी क्रिसमस मनाने के कुछ अलग तरीके हैं। यहाँ क्रिसमस के 12 दिन पहले घर की बड़ी बेटी व्हाइट गाउन पहनकर घर के लोगों को कॉफी सर्व करती है। क्रिसमस के 2 दिन पहले कई फैमिलीज मिलकर क्रिसमस ट्री को सजाती हैं। खैर, ये तो बात हुई क्रिसमस की, जिसको लेकर हमने आपको कई अहम जानकारियां दी, साथ ही अलग अलग देशों में क्रिसमस की धूम पर विश्लेषण भी किया। लेकिन 25 दिसंबर के अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को कौन सा डे होगा? पहले सेगमेंट में हमने आपके सामने क्रिसमस से जुड़े कई तथ्य रखे, लेकिन 25 दिसंबर के अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे मनाया जाता है। इंग्लैंड के साथ साथ कई दूसरे देश इस डे को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन यहाँ आप चौंकिए मत, क्योंकि बॉक्सिंग डे का मतलब यहाँ घूंसेबाजी नहीं, बल्कि इसका मतलब उन बॉक्सेस से है जो गिरजाघरों में क्रिसमस के दौरान दान इकट्ठा करने के लिए रखे जाते हैं। क्रिसमस के अगले दिन इन दान पेटियों में इकट्ठा हुए पैसों को गरीबों में बांट दिया जाता है, जो सेंट स्टीफन के लिए होता है। यूं तो सारी दुनिया में इस वक्त क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन कुछ देशों में
इसके ठीक अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे भी उतने ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बॉक्सिंग डे को ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य राष्ट्रमंडल देशों में प्रमुखता दी जाती है। बॉक्सिंग डे हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। अगर 25 दिसंबर यानी कि 26 दिसंबर को शनिवार या क्रिसमस के एक दिन बाद रविवार पड़ जाता है तो इसके बदले में सोमवार को वहाँ नेशनल हॉलिडे होती है। आयरलैंड में बॉक्सिंग डे को सेंट स्टीफन दिवस या रेन डे के नाम से ही मनाया जाता है। सेंट स्टीफन को घोड़ों और अन्य जानवरों का संरक्षक संत या पैट्रन सेंट माना जाता है। इसी कारण बॉक्सिंग डे के दिन हॉर्स रेसिंग और फॉक्स हंटिंग का प्रचलन है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और साल 1950 से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हर साल इस दिन बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जाता है। भारत ने अपना पहला बॉक्सिंग डे टेस्ट 1985 में खेला था। ये मैच बारिश के कारण नहीं खेला जा सका था। इसके बाद साल 1991, 1999 और 2003 में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ यहां आकर बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला, लेकिन तीनों ही मैचों में ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल ये परंपरा शुरू हुई थी साल 1950 से और तब से अमूमन हर साल ऑस्ट्रेलिया 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक टेस्ट मैच जरूर खेलता है। बॉक्सिंग डे क्रिसमस के बाद का दिन होता है और दुनिया भर में ये ईसाइयों के लिए छुट्टी और जश्न का दिन होता है। यही नहीं, अलग अलग देशों में बॉक्सिंग डे के दिन अलग अलग खेल खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की परंपरा शुरू किए जाने से पहले 26 दिसंबर को मेलबर्न में घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड का मैच खेला जाता था। 1950 में मेलबर्न में पहली बार बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला गया। हालांकि तब एशियज सीरीज का वो टेस्ट मैच 22 दिसंबर को शुरू हो गया था। 24 और 25 दिसंबर आराम का दिन था और बॉक्सिंग डे को मैच के तीसरे दिन तक खेला गया। साल 1953 और 1967 के बीच मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच नहीं खेला गया। 1974 और 1975 से आधुनिक बॉक्सिंग डे टेस्ट परंपरा की शुरुआत हुई। साल 1980 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने बॉक्सिंग डे टेस्ट का अधिकार हासिल कर लिया। साल 1989 में ये परंपरा टूटी जब इस दिन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच वनडे मैच खेला गया। वहीं कनाडा में बॉक्सिंग दिवस कनाडा मजदूर संहिता के अनुसार एक ऑप्शनल हॉलिडे की तरह होता है। केवल ओंटारियो प्रांत में ये कैजुअल लीव की तरह है, जहां मजदूरों को वेतन के साथ साथ छुट्टी भी मिलती है। इसके अलावा अमेरिका में ये थैंक्स गिविंग डे की तरह है। ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों में भी बॉक्सिंग डे एक खरीदारी अवकाश के रूप में मनाया गया है। इस वक्त दुकानदार भारी डिस्काउंट वाली सेल लगाते हैं। कई व्यापारियों के लिए यह दिन सबसे ज्यादा कमाई वाला दिन होता है। 2009 में यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 12 मिलियन लोगों ने इस दिन सेल में भाग लिया और ये आंकड़ा 2008 की तुलना में 20% तक ज्यादा रहा। हाल के सालों में व्यापारियों ने बॉक्सिंग सप्ताह तक अपने व्यापार को बढ़ाया है। वैसे तो बॉक्सिंग दिवस 26 दिसंबर को होता है, लेकिन ये व्यापारी बॉक्सिंग डे बिक्री कई दिन पहले से शुरू कर देते हैं और कई बार तो नए साल की शाम तक चलाते हैं। बॉक्सिंग डे को इंटरनेट की भाषा में साइबर बॉक्सिंग दिवस कहा जाता है। साल 2008 में इंग्लैंड में यह दिवस सबसे बड़े इंटरनेट शॉपिंग दिवस के रूप में शुरू किया गया था। बॉक्सिंग डे के दिन शिकार करने का भी प्रचलन रहा है। बॉक्सिंग डे के दिन शिकार की परंपरा रही है और हालांकि 2004 में यूरोपीय देशों में इस परंपरा को बंद कर दिया गया था। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि जर्मनी को क्रिसमस बाजारों का देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में त्योहारों पर जैसे छोटे बड़े मेले लगते हैं, वैसे ही दिसंबर में यहाँ हर शहर में क्रिसमस का मेला लगता है। ये घरेलू पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। बात अगर जर्मनी के 10 खास क्रिसमस मेलों की करें तो बेहद रोचक है। दरअसल क्रिसमस से 4 हफ्ते पहले शुरू होने वाले एडवेंट महीने में हेसेन प्रांत के शिलल्स शहर में 36 मीटर ऊंचा टावर लाल रंग के कपड़े में ढक दिया जाता है। टावर पर 6 मीटर ऊंची मोमबत्ती की लौ लगती है और 42 मीटर के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती है। ब्लैक फॉरेस्ट के रावे नाशलुक में स्थित ये क्रिसमस बाजार यहाँ पर कुछ खास रोमानी माहौल तैयार करता है। यहाँ हर साल
घाटी के बीच 40 मीटर ऊंचे रेल पुल के नीचे एडवेंट के 4 हफ्तों में लकड़ी के झोपड़ियों से गांव सा बनाया जाता है। ये बाजार वीकेंड में चलता है और वहीं समुद्र तट पर बसे पूर्वी फ्रीजिया के एमडेन शहर में एंग्लिकी क्रिसमस बाजार सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी पर भी लगता है। पुराने बंदरगाह पर खड़े जहाजों को, जिनमें अब संग्रहालय है, लाइटों से उन्हें सजाया जाता है और जहाज के किचन से ग्राहकों के लिए क्रिसमस मेन्यू जारी किया जाता है। इसके अलावा ग्रेनाइट बाजार बवेरिया में हाउट सेनबर्ग में पत्थरों की एक पुरानी खान के परिसर में देसी क्रिसमस मेला लगता है। यहाँ लगे स्टॉल पर इलाके की कारीगरी से बने सामान सिर्फ बेचे ही नहीं जाते बल्कि कई स्टोन कटर जैसे लोग कारीगर अपना हुनर भी दिखाते हैं। बात इरोटिक क्रिसमस बाजार की करें तो हैमबर्ग में सेंट पाउली का इलाका इरोटिक केंद्र के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। मिथक बन चुके रैपर बांध पर भी क्रिसमस मेला लगता है जहां हर दिन डिस्को और लाइव म्यूजिक होता है। यही नहीं, बवेरिया की सबसे बड़ी झील ची मजे से होकर फेरी हर आधे घंटे पर नए लोगों को लेकर महिला द्वीप पर लाती है। 90% लोग यहां बवेरिया के सोवेनियर और हाथ से बनी चीजें बेचते हैं और इस क्रिसमस बाजार की एक खूबसूरती आल्प का विंगम नजारा भी है। घुमंतू बाजार ये एक ऐसा क्रिसमस बाजार है जो क्रिसमस से पहले कोलोन, बर्लिन, स्टुटगार्ट और हैमबर्ग जैसे अलग अलग शहरों के टूर पर होता है। ये युवा कलाकारों और डिजाइनरों के लिए एक प्लेटफॉर्म या कुछ अनोखे एडवेंट कैलेंडर में भी मिलते हैं। आज हमने आपको क्रिसमस से जुड़े कई तथ्य आपके सामने रखे। साथ बात की हमने बॉक्सिंग डे की, लेकिन अगले एपिसोड में बात करेंगे नए साल के कैलेंडर की। जी हाँ, बात उसी पन्ने की करेंगे जिसमें तारीखें लिखी होती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं और महीने में 31 दिन और हफ्ते में 7 ही दिन क्यों होते हैं? कैलेंडर के मुताबिक हम अपने कार्यक्रम जरूर प्लान करते हैं। आखिरकार इस कैलेंडर का इतिहास क्या है, आखिर ये शुरू कैसे हुआ, सब कुछ बताएंगे जब पलटेंगे हम इतिहास के पन्नों को, बताएंगे इससे जुड़े कई रोचक तथ्य। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर खबरों का लुत्फ उठा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।